वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। पुष्पेंद्र मामले पर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर, ये फेक एनकाउंटर है या हत्या, अखिलेश यादव का कहना है। अखिलेश यादव का कहना है कि दोषियों को सरकार बचा रही है। पुष्पेंद्र यादव के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और पुलिस के टॉर्चर से लोग परेशान हैं। पूरा झांसी सच जानना चाहता है, अखिलेश यादव का कहना है। सीसीटीवी चेक कराएं, लोकेशन चेक करें, अखिलेश यादव। पुष्पेंद्र मामले पर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार पर आरोप लगाए अखिलेश यादव ने और बताया कि यह एनकाउंटर फेक है और इसकी जांच होनी चाहिए। न्याय चाहता है पीड़ित परिवार, दोषियों को बचा रही है सरकार। पुलिस के टॉर्चर से लोग परेशान हैं, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा है। पूरा झांसी सच जानना चाहता है। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से हो जांच, अखिलेश यादव ने कहा है कि हाईकोर्ट के जज से जांच होनी चाहिए, साथ ही साथ सीसीटीवी चेक कराए जाएं और लोकेशन भी चेक कराई जानी चाहिए। पुष्पेंद्र मामले पर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव ने कई सवाल उठाए हैं और कहा है कि यह एनकाउंटर फेक था, न्याय चाहता है पीड़ित परिवार और सीसीटीवी और लोकेशन की जांच कराई जाए, दोषियों को सरकार बचा रही है, इसका भी आरोप लगाया है। पुलिस के टॉर्चर से लोग परेशान हैं, अखिलेश यादव का कहना है। पूरा झांसी सच जानना चाहता है। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से हो जांच, अखिलेश यादव का कहना है। सीसीटीवी चेक कराए जाएं, लोकेशन चेक कराई जाए। पुष्पेंद्र मामले पर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द